तो हेलो दोस्तों, तो आज ही फैन बनाएंगे हम। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी बताते हैं आपको। पहले इसके ये कंडेंसर क्लैंप और वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको ऐसे तो ये अच्छा ही लग रहा है देखने में। देखिए, इसका बेयरिंग का प्रॉब्लम है। बेयरिंग जाम होने की वजह से आवाज़ आ रहा है ज़्यादा, एकदम भी मतलब जाम ज़्यादा भी नहीं है कि जैसे घूमे ना, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से, पर इसमें आवाज़ आ रही है। देखिए इसको आवाज आप, तो आपको आवाज आ रही होंगे इसकी खिच खिच, जो कि बेयरिंग में का जो ग्रीस रहता है ना वो खत्म हो गया, सूख गया है, ड्राई हो गया है। उसके वजह से बेयरिंग घस रहा है। जो बेयरिंग में जो बॉल्स ज्यादा चल रहे थे वो एक में को चिपको घसने की वजह से आवाज आ रहा है। तो इसका बेयरिंग खराब हो गया है। हम इसके दोनों बेयरिंग या फिर एक जो भी बेयरिंग हम खराब होगा या फिर दोनों बेयरिंग चेंज कर देंगे हम। अगर आपको करना ये तो दोनों बेयरिंग एक साथ ही चेंज करने का, क्योंकि एक बेयरिंग अगर आप चेंज करते हो तो हो सकता है दूसरा बेयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो या फिर खराब हो, तो कुछ दिन चलने के बाद वो भी खराब हो सकता है। इसलिए हम दोनों बेयरिंग एक साथ चेंज करेंगे ताकि पंखा ज़्यादा दिन तक चले और फ्री रहे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले इसके कंडेंसर और इसके क्लैंप खोल लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। कंडेंसर और कंडेंसर क्लैंप खोलने के लिए पहले तो हम कंडेंसर निकाल लेंगे यहाँ से। इसके वायर देख लीजिए आप। जब इसके वायर जब कनेक्शन निकालोगे तो आपको ये देख चेक कर लेना है कि कंडेंसर के जो वायर है वो किस वायर में लगे हुए हैं। तो जैसे कि देखिए कलर दिख रहा है, रेड ब्लू और येलो। तो इसमें देखिए जो कंडेंसर का वायर है हमारा रेड और ब्लू में है, और जो येलो वाला जो वायर है ये कॉमन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कैसा है अगर आप उल्टा लगा दोगे कंडेंसर के वायर अलग जगह में तो कैसा उल्टा भी घूम सकता है, जल भी सकता है आपका पंखा। इसलिए आप चेक कर लीजिए। तो देखिए हमारे इसमें जैसे ये इस फैन में जो है येलो वायर कॉमन हो गया, ब्लू और ये रेड। तो रेड और येलो इसमें हमें सप्लाई देना है, और जो ब्लू वायर है उसको डमी रखना है, मतलब कंडेंसर का वायर एक लगा के उसको डमी क्लैंप में लगा देना है। देखिए इसके कंडेंसर निकल गया। कंडेंसर क्लैंप खोलने के लिए यहाँ पे एक नट रहता है, इसको खोलेंगे। हमारा कंडेंसर क्लैंप भी निकल गया। देखिए इसमें वायर धागा वगैरह सब लपेट गया था इसके अंदर, तो वो भी निकाल लिया हमने उसके वायर। अभी इसमें देखिए जो फैन है इसमें शॉक में कट लगा हुआ है, मतलब कंपनी की तरफ से डिजाइन है चीज़ की, इसे वायर निकालना आसान होता है। अगर इसमें कट नहीं रहता तो हमें वायर को इसी होल से अंदर डालना पड़ता बाहर निकालने के लिए, या फिर तार से खींचना पड़ता, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसमें क्या था वायर कटने का भी डर था। अगर सही तरीके से हमने वायर निकाले इसमें आसानी से वायर निकल गया। उसके हम 3 मिनट खोल लेंगे और उसका जो कवर है होल का निकाल लेंगे। ये 3 मिनट खुल चुके हैं। इसका देखिए ऊपर का बेयरिंग खराब है। ऊपर का जो बेयरिंग है इसमें आवाज आ रही है खराब होने की वजह से। नीचे का बेयरिंग चेक करेंगे। नीचे का बेयरिंग अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो भी हम दोनों बेयरिंग बदलेंगे इसके, पहले ये ऊपर का और निकाल लेते हैं। अब हमें कवर निकालेंगे। देखिए इसमें ये टाइट है, निकल नहीं रहा। कुछ कुछ पंखे में फ्री रहता है, थोड़ा सा इसको एक बार प्रेस करके देख लेंगे हाथ से ही, अगर निकल गया तो अच्छी बात है। देखिए नहीं निकल रहा है, नीचे का जैसे फ्री था ये ऊपर का नहीं है, टाइट है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमको क्या करना है, जिससे भी होल है यहाँ पे
बेरिंग, जो बेरिंग शीट रहती है, देखिए बेरिंग जहाँ लगता है यहाँ पे दिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे, यहाँ पे एक शाफ्ट रख के थोड़ा सा इसको धीरे धीरे चारों तरफ से हैमर से मारेंगे। देखिए हमने ये प्लास्टिक का हैंडल था इससे किया तो भी निकल गया है, ज़्यादा टाइट नहीं था इसलिए आराम से निकल गया, नहीं तो समय लगता है। इसका बेरिंग आवाज आ रहा हूँ, इसको निकालेंगे पहले। ये बेरिंग के निकालने के लिए हमें टू लेग का जो पुलर आता है ये वाला, इससे हम निकालेंगे इसको। ये निकालने के लिए वायर हमको नीचे करना पड़ेगा इस तरह से। ये आराम से निकल गया बेरिंग, इसका बिल्कुल फ्री है बेरिंग बाहर। हमें इसका तो बेरिंग निकल गया स्टेटर का, अब ये और का भी बेरिंग निकालेंगे। 62.01 का बेरिंग है इसमें, और तो इसमें लगता है चपटे में 62.02 का बेरिंग लगेगा। तो देखिए इसमें हम इस कूलर से निकालेंगे, इसमें दोनों बेरिंग निकाल सकते हैं हम, टॉर के 62.01 62.02 दोनों साइड से अलग अलग दिया है। ये बेरिंग भी निकल गया इसका, और का 60.01 का बेरिंग है फ्लट का। अब ये नए बेरिंग डालेंगे, हमारे पास SCH के बेरिंग है। इसमें आएंगे 62.02 का बेरिंग, ये SCH कंपनी का 62.02 का बेरिंग। बिल्कुल फ्री चले गया, इसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं लगी। ठीक है, तो ऊपर का कवर लगाएंगे, अभी इसको साफ कर लेते हैं।
देखिए इसमें भी कुछ भी आवाज़ नहीं है, मैं एवरेज लगाने के बाद बिल्कुल फ्री घूंगा, ठीक है, ऐसा आवाज़ आना चाहिए अगर पक्का अच्छा है तो। रेप कैन की जब हम नट जब टाइट करते हैं, बोल्ट जो टाइट करते हैं हम तीनों बोल्ट, तो बोल्ट टाइट करने के वक्त इसके जो तीनों बोल्ट है एक जैसे धीरे धीरे तीनों को टाइट करना है, एक एक ही बार में एक ही बोल्ट को टाइट नहीं करना है वरना बैलेंस नहीं रहेगा इसका। बराबर अभी एल्यूमिनियम का कवर जो अगर होगा तो बेंड होने का भी डर रहता है, इसलिए तीनों नटों को धीरे धीरे एक जैसा ही टाइट करें ताकि बैलेंस बना रहे और मतलब फ्री रहे पंखा है तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, एक से ज़्यादा अगर लग जाए हो गया। ठीक है देखिए पंखा बिल्कुल फ्री है, बिना आवाज़ के बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है पंखे में भी, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, पंखा भी रेडी हो गया। इसमें जो कंडेंसर जो निकाले थे हमने इसको चेक करेंगे इसकी पावर अच्छी है कि नहीं है, खराब होगा तो इसे हम चेंज कर देंगे। कंडेंसर भी अच्छा है, हमने कंडेंसर चेक कर लिया, इस पर क्लैंप लगा देंगे। इसमें देखिए तीन वायर है, निकालते वक्त जब हमने कनेक्शन निकाले उससे कनेक्शन चेक किए थे, कंडेंसर का वायर कौन से कनेक्शन में कौन से वायर में लगा हुआ है, तो देखिए सर पीला वायर जो ये हमारा कॉमन था, और उसमें जो ब्लू और रेड वायर जो उसमें कंडेंसर के वायर लगे थे, वैसे तो हम इसमें लगा देंगे, ब्लू वायर को हम ऊपर लगा देंगे इसमें कॉमन में। रेड वायर को भी सप्लाई में लगा देंगे इसमें, ब्लू वायर को बीच में लगा देंगे कनेक्टर के डमी पॉइंट में, खाली पॉइंट में इसमें लगा देंगे। लग गया तीनों कनेक्शन लग गए, कंडेंसर फैन टूटा हुआ है हमारे, इसलिए कंडेंसर आगे पीछे हो रहा है, तो इसको हम टेप से कर देंगे, आगे पीछे नहीं, हमारे पास क्लैंप नहीं है नया वाला। हमारा फैन रेडी है, तो सीधा हम यहाँ से निकाला था हमने वहीं इसको लगा देंगे। ठीक है तो वहाँ जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि फैन कैसे घूम रहा है कितनी स्पीड से। ठीक है ये हमारा फैन अभी रिपेयर हो चुका है फाइनल, इसे फिट करना है और चेक करना है इसकी स्पीड कैसी है वहाँ लगने के बाद, क्योंकि अगर आप ऐसे चेक करोगे तो स्पीड तो रहेंगी पर जब ब्रेड लगती है इस पर लोड आता है तब पता चलता है कि इसकी स्पीड कितनी है, तो वहाँ जाके हम चेक कर देंगे।